पंचायतों में दूसरे चरण के पैक्स निर्वाचन सभी जगह पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस चुनाव में आधी आबादी ने भी जमकर अपनी भागीदारी दिखाई। बूथों पर लगे कतार में पुरुष से अधिक संख्या महिलाओं की थी। पंचायतों में 7 अध्यक्ष सीट के लिए बनाए गए थे। कुल 27 बूथों पर 52.5% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 20 पैक्स अध्यक्ष और 5 सामान्य सदस्यों के भाग्य का फैसला मतपेटी में बंद हो गया। पंचायतों में 7 सीटों के लिए 20 अध्यक्ष पद एवं 5 सामान्य पद सदस्यों के उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला गुरुवार को होगा मतगणना बाद। बताते चलें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रारंभ हुई, जो 3 बजे तक अपराह्न तक चलता रहा। कहां कितने मत मिले यह बता रहे हैं। दुलारपुर के अंधेरी प्राथमिक विद्यालय पर बूथ संख्या 4 क पर 627 में 220, क पे 627 में 161 एवं 4 पर 627 में 141 वोट पड़े। इसी तरह बलहा उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय के बूथ संख्या 5 में 624 में 217, 5 क पर 11:30 बजे 199, जिसमें महिला 129 व पुरुष के 60 थे, जबकि 5 ख पर 624 में 300, जिसमें महिला के 141 पुरुष 135 एवं 5 के ग में 623 के लिए 285, इनमें महिला 134 व पुरुष के 142 वोट पड़े। इधर अतिहर कन्या विद्यालय के बूथ संख्या 1 ख पर दोपहर 12:38 तक जो वोटिंग हुई थी, उसकी गणना इस प्रकार है। 553 वोटरों ने के बीच में 222 मत ही पड़े, जिसमें महिलाएं 154 व पुरुष के 68 थे। वहीं 1 पर 553 में 224, जिसमें महिला 162 व पुरुष 62 थे। वहीं 1 क पर 565 में महिलाएं 176 व पुरुष के 76, 1 ग पर 565 में 292, इनमें महिला के 173 व पुरुष 119 मत पड़े। वहीं खुटवारा पंचायत भवन के बूथ संख्या 6 ख के 582 में से 297, जिसमें महिला 245 व पुरुष के 42 व 6 के क पर 582 में 261, जिसमें महिलाएं 164 व पुरुष 97 एवं 6 पर कुल 582 में महिला 193 व पुरुष के 123 वोट डाले गए थे। वहीं गौसाघाट मध्य विद्यालय सारा मोहम्मद पंचायत भवन एवं नैना घाट में भी सभी बूथों पर वोट डाले गए। वीडियो सह निर्वाची पदाधिकारी रवि सिन्हा ने लगातार निरीक्षण करते रहे बूथों पर। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे गुरुवार को होगी। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका। जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। जल जीवन हरियाली अभियान यात्रा के दौरान गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचेंगे। वे बेनीपुर के तरौनी में मुर्तजा मध्य विद्यालय में सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाहरणालय के डॉक्टर अंबेडकर सभागार में प्रमंडल अंतर्गत पड़ने वाले जिलों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विकासात्मक कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से समरणालय परिसर स्थित सभी कार्यालयों के पदाधिकारी एवं कर्मी को अपने अपने पहचान पत्र के साथ ही समरणालय में प्रवेश करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी अधिकारी एवं कर्मी का बिना वैध प्रमाण पत्र के प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा।
गेट नंबर 5 को छोड़कर समरणालय का सभी बाहरी गेट बंद रहेगा। स्थापना उप समाहर्ता को निर्देश दिया गया है कि सदर अनुमंडल कार्यालय के सामने अवस्थित गेट नंबर 1, पूर्वी भाग में अवस्थित गेट नंबर 3 एवं गेट नंबर 5 पर एक एक कार्यालय परिचारी को गेट की चाबी के साथ हमेशा उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से प्रतिनियुक्त करेंगे, ताकि विशेष परिस्थिति में सुरक्षा कर्मी के साथ गेट को खोला जा सके। किसी भी सरकारी पदाधिकारी कर्मी का दोपहिया एवं चार पहिया वाहन समरणालय भवन के चारों तरफ बने पथ पर लगना पूर्णतया वर्जित रहेगा। विशेष परिस्थिति में कुछ वाहनों को समरणालय के पश्चिमी के चार दीवारी के बगल में निर्मित शेड खाली स्थान में लगाया जा सकता है। समरणालय परिसर में किसी भी आम लोगों के वाहन का प्रवेश भी पूर्णतया वर्जित रहेगा। सड़क पर कोई भी दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन का पार्किंग पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी कार्यालय परिचारी वर्दी के साथ अपने कर्तव्य में उपस्थित रहेंगे। यातायात पुलिस उपाधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्तर से वाहनों की पार्किंग हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हुए उपयुक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन से एक दिन पूर्व अधिकारियों का काफिला पहुंचा दरभंगा, और उनके आगमन के स्थल से लेकर के समीक्षा बैठक, समरणालय, अंबेडकर भवन के साथ ही सभी जगहों पर बारीकी से निरीक्षण किया गया। सरफराज आलम, BTN न्यूज। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करे सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैटरी 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार आवास पढ़ा रहे नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। शराब कारोबारी के केस में काफी दिनों से फरार चल रहे शराब माफिया 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हथियार भी बरामद हुआ, मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। तमाम जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने मीडिया को दी। माफियाओं को अरेस्ट किया है। इसके अलावा एक आम से डीलर भी अरेस्ट हुआ है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि अविनाश कुमार है, जो कि बेता का ही रहने वाला है, ये वहाँ के एक शराब के केस में वांटेड था, उसमें NBW भी निर्गत था। इसकी अरेस्टिंग हुई, इसकी हम लोगों ने तलाशी की तो इसके पास में एक पिस्टल मिली है, एक 7.67 का जिंदा कारतूस मिला है। पूछताछ में इसने ये बताया कि ये अपने ही एक प्रतिद्वंदी, वो भी शराब का कारोबार करता है, ये उसकी हत्या करने के लिए निकला हुआ था। इसके निशानदेही पे हमने जो दूसरा शराब माफिया राजू शाह, उसकी अरेस्टिंग की है। अनुसंधान में पता चला है कि ये भी बेता थाने के ही एक पर्टिकुलर केस, जो कि शराब और NDPS का केस है, उसमें वांटेड था। राजू शाह पे 3 केसेस बेता में दर्ज हैं और 3 केसेस एक्साइज सेक्ट के द्वारा भी इस पर दर्ज हैं। टोटल 6 केसेस इस पर दर्ज हैं। हम लोग ने जब पूछताछ करी कि अविनाश को हथियार कहाँ से मिला है, तो इसने बताया कि बलबंदरपुर का एक मुन्ना जो है, उसके द्वारा इन लोग को हथियारों की सप्लाई होती रही है। वो हथियार भी हमने जब्त कर लिया है और मुन्ना झा को भी इसमें अरेस्ट किया गया है। मुन्ना झा भी पहले जेल जा चुका है, इसका भी आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा रात को भी हम लोग ने एक स्ट्राइक कंडक्ट की थी, तो उसमें भी एक शराब में एक फरार अपराधी है, जिसका नाम आमोद कुमार चौधरी है, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। तो टोटल इसमें 3 शराब माफिया अरेस्ट हो गए हैं, 3 केसेस का उद्भेदन हो गया है, इसमें हथियार का सप्लायर भी अरेस्ट हो गया, हथियार भी मिल गया है। इन सभी माफियाओं से हम लोग ने इनकी जो संपत्ति इन्होंने जो अर्जित कर रखी है, उसके बारे में काफ़ी जानकारी भी मिली है। हम लोग इनका पैन कार्ड नंबर लेकर के IT डिपार्टमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे, इनकम टैक्स विभाग को, और जो भी आर्थिक चोट इन पे पहुंचाने के लिए कानूनी प्रावधान हमारे पास मौजूद है, उन सबका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में जितने भी शराब माफिया एक्टिव हैं, उन सबकी हमने एक सूची बनाई है। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ये जो अपराधी है राजू शाह, हम लोग ने निर्देश दिया था कि सभी थाना अपने यहाँ जो सक्रिय अपराध कर्मी, उनकी सूची बनाएं, उसमें राजू शाह का भी नाम था।
और इस प्रकार से जो हम लोग ने डेटाबेस तैयार किया अपराधियों का, उन पर लगातार हम लोग की कार्रवाई चलती रहेगी। खासतौर पर जो शराब के माफिया हैं, हम लोग ने जो भी चिन्हित किए हैं, आने वाले समय में लगातार हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे और सभी को हम लोग जल्दी गिरफ्तार करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं सारे लोग? अविनाश कुमार झा शाहगंज बेता का ही रहने वाला है, जिसकी ये हत्या करने निकला हुआ था राजू शाह, ये भी शाहगंज बेता का ही रहने वाला है। मुन्ना झा बहादुरपुर का है, जिसने आम सप्लाई किया था, और ये जो अमोद चौधरी है, ये भी शाहगंज बेता का ही रहने वाला है। तो बेसिकली ये तीनों लोग जो बेता एरिया और जो डीएमसीएच का एरिया है, वहां पे ये लोग शराब डिलीवरी का काम कर रहे थे। इन लोगों की गिरफ्तारी से उस अपराध में काफी अंकुश आएगा और इनसे जो जानकारी हम लोग को और अपराधियों के बारे में, स्पेशली जो शराब के कारोबार में लिप्त हैं, उनकी भी मिली है, उन लोग को भी हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे। उनपे क्या कार्रवाई इस पर होगी? देखिए, इनको तो अभी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, हम लोग चार्जशीट भी करेंगे। इनका जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है, जहां से इन लोग को शराब का सोर्स होगा, अब हम लोग की नेक्स्ट कार्रवाई उस पर होगी। इसके अलावा इन लोगों ने काफी संपत्ति भी इकट्ठी कर रखी है, उसको भी हम लोग ने चिन्हित कर लिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हुए हम लोग इन पर कार्रवाई कराएंगे और इनकी संपत्ति जब्ती करने के लिए हमारे पास पीएमएलए एक्ट है और शराब के कानून में भी जो प्रावधान है, उसको भी हम लोग जल्दी प्रपोजल बना करके भेजेंगे। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। कमिंग सून, कमिंग सून, कमिंग सून। दिल्ली पब्लिक स्कूल क्लास नर्सरी टू टेंथ CBSE curriculum registration and admission open on 5th January 2020. Salient features: English medium school, value-based education, clean and healthy environment, creative teaching, smart classes, technology-enabled classrooms, hostel facilities available, martial art will start, computer room available, transport available, session 2020-2021, Mirzapur near City Life Mall, Darbhanga, 7739108822, 8797285570. सृजनात्मकता की अहम भूमिका होती है शिक्षा के क्षेत्र में। सृजनात्मकता और नवाचार को ऐसे आयोजने से नया विस्तार मिलता है, ये बातें CM साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद ने कहा दरभंगा पब्लिक स्कूल के साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन के उद्घाटन के अवसर पर। इस अवसर पर 1250 से अधिक युवा वैज्ञानिकों एवं कलाकारों ने 822 विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कला एवं क्राफ्ट को विज्ञान के विद्यालय के विस्तृत हॉलों में प्रदर्शित करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि वे भविष्य के लिए किस तरह से तैयार हैं। 2030 की दुनिया के लिए विषय पर आयोजित यह उत्सव बच्चों के उत्साह एवं उमंग का सटीक उदाहरण रहा। Science and creative exhibition. It is the time to start and to inculcate among the students about their creativity, to know what they are, to know what they think of, know what the senses they have developed inside them during the course of learning. Questions to the students. Really, they are so much dedicated. I must congratulate here the astute teachers of this institution. They have created this knowledge, they have created things properly for the students. I still remember I had been a science teacher also. So I just remember. इस पूरे प्रदर्शनी में लगभग 1250 छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जितने ज़्यादा
छात्र छात्रा पार्टिसिपेट कर सके वो हम अपना सक्सेस का एक पैमाना मानते हैं। और लगभग जो प्रोजेक्ट्स की संख्या है वो 800 से कुछ अधिक है, जिसमें कि साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि आर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें क्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, और इस पर हमने पिछले 2 साल से शामिल किया है IT प्रोजेक्ट्स। तो पूरे स्कूल में हमारे पास लगभग 100 के आसपास कंप्यूटर्स हैं। तो जो मल्टीमीडिया के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ वीडियो गेम्स बनाए हैं बच्चों ने खुद से, और इसके अलावा और जो भी माइक्रोसॉफ्ट को और इस तरह के और भी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए कई और भी प्रोजेक्ट्स हैं IT के। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20 कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल खाजासराय लहरियासराय दरभंगा कॉन्टैक्ट 7061845006 9234928396। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान के अध्यक्षता में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई उनके आवास पर। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आह्वान पर लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के विरोध में गुरुवार को नाका 5 पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया जाएगा। के अंदर में बिहार के तमाम जिलों के अंदर में पुतला दहन किया जाएगा। वो पुतला दहन होगा हमारे गृह मंत्री का, उनका पुतला दहन किया जाएगा। और उसके बाद 15 तारीख को तमाम जिला मुख्यालय पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के तमाम विंग मिलकर वो धरना देंगे और अपना विचार रखेंगे कि इस बिल से आने से क्या 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 हो सकता है और BJP का मंशा क्या है, इसके बारे में हम लोग बोलेंगे। बिल के खिलाफ में कल जन अधिकार पार्टी के तरफ से पप्पू यादव के आह्वान पर नाका नंबर 5 पर अमित शाह का पुतला दहन होगा और साथ में नीतीश कुमार का पुतला दहन होगा। सिर्फ दोनों सब में BJP और JDU मिल के मुसलमान कौम को एक धोखा और एक मोहरा बना के गेम खेला। इसके विरोध में NRC के विरोध में कल 5 नाका पुतला दहन दोनों आदमी का होगा, श्री नीतीश कुमार का और अमित शाह का। सरफराज आलम, BTN न्यूज। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस स्त्री रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका है? जाएं श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, बेहतर चिकित्सा हेतु तो उपलब्ध सुविधाएं। विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर झा, सुषमा शिखा, रामजी ठाकुर, मनीष कुमार। ईदगाह रोड बेता के निकट महारानी कल्याणी कॉलेज एवं नागेंद्र झा महिला कॉलेज। मोबाइल नंबर 9135915838 9437122570। सिंह सर्विस स्पेयर्स, सिटी सारथी ऑटोमोबाइल्स, सूजस इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सुपर डीलर ई रिक्शा, ई स्कूटी, ई लोडर, कम कागजी कार्रवाई, फाइनेंस की सुविधा, दमदार बॉडी, चेचिस और एक्सपेंशन, पावरफुल ब्रेक्स, फुल कैनोपी जो बारिश और धूप से बचाए, दमदार बैटरी हमेशा आपके साथ, सड़क का बादशाह सिटी सारथी ऑटोमोबाइल्स। मोबाइल नंबर 9473105857 7295035313। वार्ड नंबर 42 और 43 के बीच स्थित यह मोहल्ला महासेठ कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यह तस्वीर है
उस जगह की जो नगर निगम क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ कचरे का अंबार लगा हुआ है, ना तो इसकी साफ सफाई होती है, ना ही यहाँ से कचरे का उठाव होता है, ना ही कचरा का प्रबंधन किया जाता है। कहने के लिए तो नगर निगम ने डस्टबिन भी मंगाए हैं, एक में गीला कचरा, दूसरे में सूखा कचरा, लेकिन वह डस्टबिन भी नगर निगम के गोडाउन में ही पड़ा है। नगर निगम ने कचरे के लिए सफाई कर्मी को भी लगाया है, ले जो प्रत्येक वार्ड में सीटी बजाकर कचरे का उठाव करते हैं, लेकिन इस मोहल्ले में वह भी ना काफी है, जिसके वजह से इलाका पूरा बदबूदार बना हुआ है, कचरे का अंबार है, जबकि यह इलाका है घनी आबादी वाला। यहाँ से गुजरते हैं लोग तो नाक पर रुमाल डालकर या फिर नाक बंद करके, क्योंकि इससे निकलने वाली सरांद लोगों को सहन नहीं होती। पूरा पूरा कचरा भरा रहता है, पानी जमा रहता है, पानी का निकासी नहीं हो रहा है, चलने में लोग को कठिनाई होती है, मच्छर का प्रकोप ज्यादा है, बहुत समस्या है, कोई देखने वाला नहीं है, नगर नियम का आदमी नहीं आता है, यही समस्या है, क्या कहा जाए। परेशानी है कि रोड पर कचरा बिगी रहती है, चौराहे पर आने जाने में लोगों को कठिनाई होती है, हमारे माता बहन को भी कठिनाई होती है, और ये लोग जो आते हैं कहते हैं कि सिर्फ वोट के लिए आते हैं, बाकी जनता जहन्नुम में चले जाए। सत्येंद्र कुमार, BTN News।